रेफरेंस में आप सुन लिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। पिछले हफ्ते 3 फिल्म रिलीज हुई थी, कारवा, मुल्क और फनी खान। तीनों फिल्म लगभग लगभग डिजास्टर साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर। चलिए आपको ट्रेड कलेक्शन बताता हूँ एक हफ्ते का। फनी खान को 9.35 करोड़ तक का कलेक्शन मिला और वहीं अगर देखा जाए मुल्क फिल्म को 11.30 करोड़ का कलेक्शन मिला और कारवा फिल्म 12 करोड़। जी हाँ, ये तीनों ट्रेड फिगर है, लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स फिगर पे भी अगर आप जाओगे या चेक करने की कोशिश करोगे तो मेरा दावा है आपसे कि जो ट्रेड फिगर है उससे कुछ करीबन 30-40 लाख ही ज्यादा होगा या तो उससे कम होगा, लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं होने वाले। वो इसलिए कि फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली है। देखते ही इस हफ्ते इन तीनों फिल्मों को क्या क्लैश मिलता है, लेकिन हाँ इतना साफ है कि जो भी आई थिंक मंगलवार तक का जो वक्त है, जिसको भी जितना कमाना है कमा सकती है, उसके बाद तो आई थिंक सत्यमेव जयते और गोल्ड का ही बोलबाला रहेगा। आपको क्या लगता है इन तीनों फिल्मों का क्लैश कहां तक जा सकता है? फनी खान जो 9.35 करोड़ है, मुल्क 11.30 करोड़ है, कारवा जो 12 करोड़ है। जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। और हाँ, यहाँ पे अगर आप शॉक होंगे कि कारवा कलेक्शन बाकी दोनों फिल्म ज्यादा क्यों है 12 करोड़, वो ये है कि साउथ फिल्म के जो एक्टर है दलकीर सलमान, यानी दलकीर नाम है उनका, पूरा सरनेम मैं कंफ्यूज हुआ थोड़ा, लेकिन दलकीर नाम है, मलयालम फिल्मों को अच्छे खासे हीरो है, उनकी वजह से साउथ फिल्म साउथ इंडस्ट्री में ये फिल्म अच्छी खासी चली कारवा, इसी वजह से इसका कलेक्शन 12 करोड़ तक हुआ है। चलिए फिलहाल कितना ही।